Hello students, our next topic in programming for problem solving is C compilation process. C compilation process. तो यहाँ क्या होता है, जब C compilation हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ stages आती हैं, कुछ components होते हैं. जो भी हमारा प्रोसीजर चलता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी कंपाइलेशन कैसे होती है, तो उसमें एक कंपोनेंट नहीं होता है, उसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स होता है. यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स. अब ये कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आपके, सो आपका होता है प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर एंड लिंकर. ये चार हमारे पास जो हैं मेन कंपोनेंट्स आते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो है प्री प्रोसेसर. सबसे पहला हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर. तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई कोड सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, हमने कोई भी एक सोर्स कोड लिखा है, ठीक है, जो कि डॉट सी फाइल में है, मतलब आपकी सी फाइल में है ये. इसको हम जैसे ही फाइल हमने लिख ली है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हम रन कराते हैं तो रन कराने से पहले हम उसे कंपाइल कराते हैं. तो जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो प्री प्रोसेसर का काम होता है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. अब प्री प्रोसेसर उसके बाद क्या करता है, जो इसका आउटपुट होगा, जो प्री प्रोसेसर से आउटपुट निकलता है, ये अपना टास्क कंप्लीट करता है. फिर उसके बाद ये क्या करता है, अपना जो आउटपुट है वो कंपाइलर को एज ए इनपुट दे देता है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जो कंपाइलर है वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा. और इसका टास्क क्या होगा कि ये जो आपका कोड आया है, जो सोर्स कोड आया है, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा. अब असेंबली कोड में कन्वर्ट किया है, असेंबली कोड भी जो है कंप्यूटर को समझ नहीं आता. कंप्यूटर को तो क्या समझ आता है, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड समझ आता है. तो ये क्या करेगा, अब इसको असेंबली कोड को कन्वर्ट करने के लिए ये असेंबलर के पास सेंड करेगा. अब असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर अपने कोड को मशीन कोड में चेंज करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड प्लस हमारे पास में क्या होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं. अब ये लाइब्रेरीज और ये ऑब्जेक्ट कोड कंबाइन होके एक लिंकर के पास जाते हैं. अब ये लिंकर क्या करता है, इन सबको कंबाइन कर देता है, उसके बाद आपका जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है. अब अगर हम इनकी इंडिविजुअल जो वर्किंग है उसको समझते हैं, जो आपका प्री प्रोसेसर है वो क्या करेगा, सपोज आपके पास कोई आपने कोड लिखा है, एग्जांपल ले लो, आपने एक कमेंट लिखा, दिस इज डेमो, ये आपने एक कमेंट लिखा है, उसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h void main printf hello. ये आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा. अब ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, बेसिकली तीन काम करता है. सबसे पहला जो होता है, ये जो कमेंट आपने लिखा है इस कमेंट को रिमूव कर देता है. ये कमेंट जो होता है सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है, जो यूज़र है, जो कोड लिख रहा है उसके लिए होता है, बाकी इसका और कोई काम नहीं होता है, सिर्फ यूज़र के लिए होता है. तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है. देन यहाँ पे जो हमने प्री प्रोसेसर यूज़ किया है तो उसमें ये क्या करता है, कोड ऑफ हेडर फाइल्स यूज़ कर लेता है. जो भी हमारे हेडर फाइल्स के कोड होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लेता है. देन void main printf
हेलो, और ये एज इट इज़ रहता है। अब थर्ड जो इसका वर्किंग होती है वो ये होता है कि मार्कोज, अगर यहाँ पे सपोज़ हमने पहले मार्कोज़ लिखे हुए हैं, यहाँ पे मार्कोज़ हमने दिया हुआ है मार्को नेम, तो ये उसको भी क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उसके कोड से। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, इट रिमूव्स कॉमेंट्स को रिमूव करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल इन सोर्स कोड एंड रिप्लेस मार्को नेम विद कोड। मार्को नेम को कोड के साथ रिप्लेस कर देता है। अब नेक्स्ट, ये वाला जो कोड है हमारा, ये कोड हमारा कंपाइलर के पास जाता है। अब ये कोड जब कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर क्या करता है, ये हमारे पास कोड था तो इस कोड को ये क्या करेगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करेगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब असेंबली कोड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, निमोनिक्स क्या होते हैं, हमारे कोड्स होते हैं। जैसे सपोज हमें एडिशन करना है तो हम ऐड लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब लिख देंगे, तो उस टाइप के कोड से यहाँ पे यूज़ करता है, असेंबली कोड जनरेट करता है। फिर ये जो कोड है असेंबलर के पास जाता है। अब असेंबलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जो हमारे 0101110 इस टाइप से होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे मशीन कोड, या तो हम इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो अब जब हम सी पे कोई भी प्रोग्राम करते हैं या कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे कोड्स लगते हैं। कोई भी हम प्रोजेक्ट अगर उस पर कर रहे हैं तो सपोज़ हमारे पास ये अलग अलग टाइप से कोड्स हैं, सोर्स कोड है हमारे पास, और हमारे पास होती हैं कुछ लाइब्रेरीज, जो हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है, हमारे पास लिंकर होता है। ये लिंकर क्या करते हैं, इन लाइब्रेरीज को लेता है, ये सारे जो सोर्स कोड्स थे इनको लेता है और इन सबको कंबाइन कर देता है। इन सबको कंबाइन करने के बाद ये क्या करता है, एक सिंगल फाइल बनाता है, और ये जो सिंगल फाइल जनरेट होती है ये XEX से होती है। ये हमारी जो होती है ये डायरेक्टली जाके कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये जो सी का कंपाइलेशन प्रोसेस है ये वर्क करता है। ये सारे स्टेप्स हैं, ये चार मेन जो है हमारे पास, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर होते हैं, और ये सारी इसकी प्रोसेसिंग थी। ऐसे हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, दूसरे कंपोनेंट पे ट्रैवल करता है।